भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जो किसी न किसी मायने में खास है। ऐसी कई फिल्में भी हैं जो अपनी टाइमिंग को लेकर जानी जाती है। हिंदी सिनेमा की सबसे लंबी फिल्में दर्शकों का इंटरटेनमेंट करने में तो सफल भी रही हैं, लंबी होने के बावजूद ये फिल्में पकाऊ नहीं थी, आज भी दर्शक इन फिल्मों को याद करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी फिल्मों के ही बारे में बताने जा रही हूँ। नंबर फर्स्ट, मेरा नाम जोकर। एक भाग में बनी सबसे लंबी फिल्म की बात की हो तो इसमें सबसे पहला नाम आता है राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर का। राज कपूर की इस फिल्म में कुल 28 गाने थे और इसका टोटल रन टाइम 4 घंटे 4 मिनट था। फिल्म इतनी ज्यादा लंबी थी कि सिनेमाघरों में फिल्म के दौरान 2 बार इंटरवल हुआ करते थे। नंबर सेकेंड, लगान। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह बनाने वाली आमिर खान की फिल्म लगान बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म का रनिंग टाइम 3 घंटे 44 मिनट है। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई और इसके कैरेक्टर आज भी याद किए जाते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर में भी एंट्री मिल गई थी। नंबर थर्ड, सलाम ए इश्क। अनिल कपूर, सलमान खान, गोविंदा और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े स्टार की फिल्म सलाम ए इश्क का रनिंग टाइम 3 घंटे 36 मिनट था। इसमें कई बड़े स्टार्स होने के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई, लेकिन अपनी रनिंग टाइम की वजह से फिल्म हमेशा याद की जाती है। नंबर फोर, मोहब्बतें। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ बनाई गई ये फिल्म यंग पॉपुलेशन के बीच काफ़ी पॉपुलर हुई। इस फिल्म के गाने और डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। फिल्म मोहब्बतें का रनिंग टाइम 3 घंटे 36 मिनट था। नंबर फाइव, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये फिल्म इतनी लंबी बन गई कि इसे रिलीज करना मुश्किल हो रहा था। सिनेमाघर इसे रिलीज करने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद मेकर्स ने एडिटिंग के जरिए इस फिल्म का रनिंग टाइम कुछ कम किया। कई सारे सीन काटने के बाद भी फिल्म का रनिंग टाइम 5 घंटे 19 मिनट से कम नहीं हो पाया। आखिरकार फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करने का फैसला किया। फिर 3-3 महीने के गैप में 2 पार्ट रिलीज किए गए। तो गाइज, अब जाने का वक्त हो गया है। इन 5 फिल्मों में से आपको कौन कौन से गाने पसंद हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो कंटेंट के बारे में कुछ चर्चा करनी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।